लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पे बहुत ही विशालकाय क्रिएचर यानी कि डायनासोर्स घुमा करते थे और धरती पर उनका अधिकार था। लेकिन अचानक एक दिन आकाश से उनके अंत का एक संदेशा आया और पूरे धरती पे हाहाकार मच गया। आज के इस अनसुनी कहानी के एपिसोड में मैं आप सभी को 6.5 करोड़ साल पहले उसी दिन ले चलता हूँ जिस दिन डायनासोर्स का विनाश हुआ था। तो चलिए उस डरावने समय में। आकाश से एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड जिसकी डायमीटर लगभग 11 से 80 किलोमीटर के बीच में थी, वो बहुत ही तेजी से धरती के सतह से टकरा गया। वो एस्टेरॉयड लगभग पूरे वाशिंगटन डीसी सिटी के एरिया के बराबर होगा और उसके टकराने से जो क्रेटर बना उसका डायमीटर लगभग 150 किलोमीटर था और उसकी गहराई 20 किलोमीटर थी। मतलब जब उस एस्टेरॉयड का एक छोर धरती के सतह पर होगा तो उसका दूसरा छोर एक एरोप्लेन के हाइट तक होगा। जब यह भयानक टक्कर हुई तो धरती के सभी समुद्रों में लगभग 900 मीटर की ऊंचाई के सुनामी आने लगे। ये सुनामी लगभग 10 घंटे तक चलता रहा और उस कोलिजन की शक्ति सार बॉम्ब के 100 गुना होगी। 1000 किलोमीटर के रेडियस की पूरी पृथ्वी तबाह हो गई थी। उस कोलिजन की शक्ति लगभग 100 ट्रिलियन टन एक्सप्लोजिव के बराबर होगी। पूरे पृथ्वी पर लगभग 12 रिक्टर स्केल के भूकंप आने लगे। पूरे अर्जेंटीना शहर इतने बड़े लैंडस्लाइड्स होने लगे और इन भूकंपों के कारण फिर से बहुत सारी सुनामी आई। और इन सभी डरावनी घटनाओं के कारण लगभग 1500 किलोमीटर रेडियस के रीजन में आग लग गई और उसके बीच में जो आया सब मरते गए। इस भयानक टक्कर के कारण सारे बड़े डायनासोर मारे गए और जो छोटे जीव जो बच गए थे उन्हें समुद्र ने अपने अंदर ले लिया। पूरे एटमॉस्फेयर में डस्ट के बहुत ही छोटे पार्टिकल ट्रैवल कर रहे थे और उन पार्टिकल्स का सबूत साइंटिस्ट को यहाँ के हवा में मिल चुका है। और ऐसा कहा जाता है कि उन पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी लगभग 20 मिलियन टन ऑफ TNT के बराबर होगा और वो सारे पार्टिकल्स हीट के फॉर्म में थे। पृथ्वी पर सब कुछ जलने लगा और ये धरती नर्क बन गई। जो ऑर्गेनिज्म इस टक्कर के कारण बच पाए थे वो अत्यधिक गर्मी के कारण मारे गए। पूरे पृथ्वी का लगभग 75% वनस्पति नाश हो गया और वही जीव बच पाए जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था, यानी कि सभी बड़े जीव पूरी तरह से खत्म हो गए। जब इतनी तबाही से प्रकृति का मन नहीं भरा तब प्रकृति ने वाटर बॉडीज में भी अपना प्रभाव दिखाया। सभी बड़े ओशंस में एसिड ड्रेन घुल गया और समुद्रों के एसिडिफाई होने के कारण समुद्री जीव भी मरने लगे। हवा में घुले फायर एंड डस्ट पार्टिकल्स ने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया और धरती पर लगभग 1 साल तक सनलाइट नहीं आया और जो प्लांट स्पीसीज पहले बच पाए थे वो भी मारे गए। इन सभी चीज़ों से आपको पता चल गया होगा कि उसके बाद धरती पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन उस भारी तबाही में भी कुछ जीव बच पाए थे, जैसे कि टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स जो कि पानी की गहराई में छुप गए थे और उनके ऊपर धरती को वापस पहले जैसी बनाने की जिम्मेदारी थी। कुछ छोटे बैक्टीरिया जैसे कि फोरामिनिफेरा और बहुत सारे टाइप्स के फर्न वो भी बचने में सफल रहे थे और उन्होंने धरती को वापस रिपॉपुलेट किया। जो छोटे जीव पहले बच पाए थे वो भी खाने की कमी के कारण मारे गए, पर धीरे धीरे समय के साथ वापस से पेड़ों का जन्म हुआ और फिर से फॉरेस्ट अपने रंग रूप में आने लगी। समय बीतता गया और लगभग 1 लाख साल बाद छोटे जीवों की संख्या बढ़ी और छोटे छोटे पौधे फॉरेस्ट बनने लगे और धरती वापस से अपने पुराने रंग रूप में आने लगी। और समय बीता और लगभग 2 लाख साल बाद एनिमल्स की डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई और उनकी साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। और फाइनली 7 लाख साल बाद जंगलों में खाने वाले पौधे जैसे कि बीन सूखने लगे और फिर से इन्वायरमेंट अपने पुराने रंग रूप में आ गया। हाँ, ओशन को रिकवर करने में बहुत समय लगा, लेकिन समय के साथ ओशन में भी बहुत सारे न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट हुए और फाइनली ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ। उस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी पर जो भारी तबाही मचाई थी उसी के कारण इस पृथ्वी पर इंसान आ सके हैं। लेकिन सोचिए, अगर वैसा ही एक और उल्कापिंड अगर पृथ्वी पर गिरे तो क्या होगा, मानव सभ्यता का क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अनसुनी कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत ही नॉलेज था आप सभी के लिए और ऐसी कहानी देखने के लिए नॉलेज भूमि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियोस देखना ना भूलिए।